ओके तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट इज अ टेबल एंड सेल स्टाइल्स, राइट। तो हमारे पास एक्चुअल में ये जो स्टाइल्स ग्रुप है इसके अंदर तीन जो है मेन्यूज हैं, उनको कवर करने वाले हैं, राइट। इनमें फर्स्ट मेन्यू जो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास होता यह है कि हम कंडीशंस की बेसिस पे फॉर्मेटिंग करवाते हैं, कंडीशन की बेसिस पे फॉर्मेटिंग करवाते हैं। यानी वैसे हम अगर किसी सेल को, किसी टेक्स्ट को रेड करते हैं, ग्रीन करते हैं, ब्लू करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, जहां पे दिल करे उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, रेड करना है, तो मैंने कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कोई चीज, या इस डिजिट को मुझे क्या करना है, यहां से आके शेडो अप्लाई कर देना है, तो मैं कर देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ये सारी चीजें मेरी कंडीशंस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये मैन्युअली जाके करने की जरूरत ना पड़े, मैं उस तरह की वैल्यू दूं तो उस तरह की फॉर्मेटिंग आराम से आ जाए। तो इस तरह की सिनेरियोस को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, यानी कंडीशंस की बेसिस पे कलर करना, बैकग्राउंड चेंज करना, इस तरह की चीजें करना, फॉर्मेटिंग को मॉडिफाई करना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह के सिनेरियोस में आपको क्या कर देना है, यू हैव टू गो विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेन्यू, सही है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डमी डेटा है जिसमें परसेंटेज मैंने लिखी हुई है, मैं चाहता हूं इसमें से जब भी किसी स्टूडेंट की 40 से कम परसेंटेज आए तो वो बंदा फेल होना चाहिए। अब फेल तो होगा, लेकिन मैं चाहता हूं या 50 से कम आए, वॉट एवर द कंडीशन यू आर गोइंग टू चूज, तो मैं चाहता हूं वो वाला सेल मुझे रेड दिखे। क्या दिखे? रेड, यानी उस सेल का बैकग्राउंड कलर भी रेड दिखे और टेक्स्ट भी रेड दिखे। तो मैं यहां पे आऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लिक करूंगा, तो यहां पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आ रहा, हाईलाइट सेल रूल्स। अब हाईलाइट में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर लेस देन वैल्यू हो या ग्रेटर देन वैल्यू हो तो उस तरह के कंडीशन हो। तो मैं चाहता हूं जब मेरी वैल्यू लेस देन हो, क्या हो, लेस देन हो, किसके, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कौन सी एरिया जिनमें आपको कंडीशन लगानी है। तो मैंने वो सारे सेल इसको सिलेक्ट करके दे दिए थे। अब मैं इसको बताऊंगा कि इनको करना क्या है और कब से, ये देखें फॉर्मेट सेल्स देन आर लेस देन, तो ये आपके क्या है, ये वैल्यूज है। मैं चाहता हूं 40 से जब कोई वैल्यू छोटी हो, किससे छोटी हो, 40 से, तो मैंने इसको क्या दे दिया है, वैल्यू दे दी है 40। अब मैं इसको बताऊंगा वो क्या करेगा इसको, ये देखें यहां से फॉर्मेटिंग है, ये कंडीशन हुई, ये फॉर्मेटिंग हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि अगर वैल्यू, ये देखें लिखा हुआ लेस देन, लिखा हुआ ना अलर्ट के ऊपर लेस देन, कि अगर लेस देन हो किसके, 40 के, तो क्या आप अप्लाई कर दे, यहां से आके जो आपका दिल करे वो कलर, वो टेक्स्ट का कलर आप दे सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं कौन सा दे रहा हूं, लाइट रेड विथ लाइट विथ डार्क रेड टेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि बैकग्राउंड थोड़ा लाइट रेड होगा और टेक्स्ट क्या होगा, डार्क रेड होगा। और मैं जैसे ही ओके कर दूंगा यहां पे, तो ऑटोमेटिक जब भी कोई वैल्यू 40 से कम होगी वो वाला मुझे सेल क्या करके दे देगा, रेड करके दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरह से मैं इनको फिर से सिलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, सेल्स इसको हाईलाइट में जाते हैं। अब मैं बोलूंगा ग्रेटर देन, पहले क्या था लेस देन, अब मैं क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन। तो मैं यहां पे आके बोलूंगा अगर मेरी कोई वैल्यू जो 50 से ग्रेटर देन है, सही है। या हम कहते हैं, अच्छा एक चीज और भी है कि यहां पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे हाईलाइट में ग्रेटर देन भी है, ठीक है, इक्वल टू भी है, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स फिल्म, अगर कोई टेक्स्ट जिसमें ये मिले तो ये अप्लाई कर दो, है ना, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन अभी जो मुझे करना है, तो मैं ग्रेटर देन पे जैसे क्लिक करता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा जब भी कोई वैल्यू किससे 40 से या 39 से, क्योंकि 40 पे भी पास है ना, 40 पे भी पास है ना, तो मैं बोलूंगा 39 से बड़ी हो, किससे 39 से बड़ी हो वैल्यू, तो उसको क्या अप्लाई कर दो। मैं इसको जाके बोलूंगा कि यहां पे आके ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मैं यहां पे आके जैसे ओके करूंगा तो जो पास होंगे वो ग्रीन दिखेंगे, जो फेल होंगे वो रेड दिखेंगे। और एक बार मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, मैं यहां से जब भी वैल्यू चेंज करूंगा ना, फॉर एग्जांपल
मैं किसी बच्चे को यहां से जो है फेल कर देता हूं, नंबर कम देता हूं, ऑटोमेटिक देखें वो क्या हो गया, रेड हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कल को आपने परसेंटेज वाली सेल को आपने क्या कर देना है, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आप बोलेंगे भाई एब्सेंट प्रेजेंट के लिए भी हम शीट्स बना रहे होते हैं, है ना, कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे इस तरह के डेज हैं जिनमें बच्चे नहीं आते, मैं न्यू एक्सेल की शीट डाल देता हूं, या यहीं पे हम जो है लिख देते हैं कि भाई MOL लिख के अब यहां से आके इसको ड्रैग कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है ना वो वीक के डेज आ जाएंगे, कौन से क्लियर है। इसी तरह से आपके जो है वो जैन फेब लिखोगे ना, जैन क्लिक करके यहां से आके ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपके पूरे ईयर के मंथ है वो आ जाएंगे, सही है। अभी तो ये हाफ आ रहे हैं ना, मंडे पूरा लिखते तो मंडे पूरा आता, हियर यू गो, यहां से आके इस तरह से ड्रैग करते तो इस तरह से, कौन से क्लियर। इसी तरह से जनवरी लिखोगे पूरा जनवरी एंड हियर यू गो एंड ड्रैग इट, तो आपको पूरे मंथ के नाम कंप्लीट दिखा देगा, कौन से क्लियर। ये थोड़ी सी टिप्स थी तो बता रहा हूं मैं आपको, सही है। उसके बाद मैं यहां पे आके लिखता हूं कि कोई बंदा जब एब्सेंट होता है तो ए लिखते हैं हम, प्रेजेंट होता है तो पी लिखते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूं और बाकी सेल्स में यहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, इसी तरह से पूरे कॉलम को कॉपी करते हैं और बाकी जो हमारे डेज हैं उनमें हम पेस्ट कर देते हैं, सही है। अब मैं चाहता हूं मेरे पास जहां पे एब्सेंट हो वो रेड दिखे, जहां पे प्रेजेंट हो वो ग्रीन दिखे, वो थे डिजिट, अब टेक्स्ट है ना, तो मैं क्या करूंगा यहां पे इन पूरी चीजों को सिलेक्ट करेंगे और इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इस फर्स्ट वाले में जाएंगे और क्या बोलेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, कॉन्सेप्ट क्लियर, कि अगर कोई ऐसा टेक्स्ट जिसके पास ये हो, क्या हो, पी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, पी हो, तो यहां पे आके क्या करें उसको ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और मैं यहां से आके ओके कर दूंगा, तो जो मेरे पास समझ ले प्रेजेंट होंगे वो टेक्स्ट या आपका वो सेल क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। अब आप चाहते हैं जो एब्सेंट होगा वो मुझे क्या दिखे, यहां पे आके सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो मैं यहां पे बोलूंगा जहां पे आपको ए नजर आ रहा है वहां पे जाके ग्रीन कर दे, ये देखें श्योर है, सॉरी रेड कर दे, रेड, ओके, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आप डेटा भले मिटा दो एक बार, डेटा भले मिटा के आप फिर भी लिखोगे ना, ये देखें अब एम्प्टी हो गए, लेकिन मैं इस पूरे सेल्स के ऊपर जहां पे भी ए लिखूंगा वहां पे मुझे एब्सेंट दिखाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जहां पे मैं पी लिखूंगा वहां पे ग्रीन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हो कभी कभार लीव भी होती है बच्चे की, लीव होती है ना, तो लीव के लिए हम जो है वार्निंग वाला कलर, यानी समझ लो कि येलो टाइप इस तरह का दे सकते हैं, जो हमारी अपनी मर्जी हो। तो मैं जब लिख चाहता हूं जब कहीं पे भी एल लिखी जाए यानी लीव लिखी जाए, तो यहां पे आप इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यू हैव टू गो विथ अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड मैं यहां पे बोलूंगा हाईलाइट करो वो सेल्स जिनमें टेक्स्ट क्या हो, एल हो, सही है। और इसको क्या कर देना, यहां पे आके आप जो है येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, या आप कस्टम फॉर्मेट यहां से मर्जी का दे सकते हैं, यार है कस्टम, यहां से आके बता सकते हैं कौन सा कलर होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, देखिए बॉर्डर आ रहा है, आप फिल कलर कौन सा करना चाहते हैं वो भी अपनी मर्जी का बता सकते हैं, सही है। मैं चाहता हूं इस तरह का कलर अप्लाई हो, सही है। पैटर्न स्टाइल भी है, यहां से आपको जो पैटर्न पसंद हो इस तरह के पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसको नल रख दें, सही है। आपका ये कलर आ गया, यानी ये बैकग्राउंड में कलर फिल होगा। उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करो, फॉन्ट का कलर यहां से आप चूज कर सकते हैं, ये देखें, तो मैं फॉन्ट का कलर रेड सेलेक्ट करता हूं, या आप जो आपको बेहतर लगता है, मैं यहां पे ये जो है ब्लू सेलेक्ट कर देता हूं, मैं जो जैसे ओके करता हूं यहां से आके ओके कर देता हूं। अब मैं जहां पे भी एल लिखूंगा उस तरह की फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ये देखें, कौन सा क्लियर हुआ। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सिनेरियो, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जिस तरह की आपकी जरूरत हो उस तरह से आप यहां से आके चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप आइकन्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह के आप आइकन चाहें, सही है।
आप और तरह की चीजें यहां से आके कलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो कर सकते हैं, डेटा बास शो कर सकते हैं, सही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यहां से आके सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर आते हैं टॉप के 10 आइटम, टॉप की परसेंटेजेस, बॉटम की जो है चीजें, उनको अलग अलग से चीजें दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आपको जो सिनेरियो पसंद हो यहां से आके आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब फिर आता है फॉर्मेट एज अ टेबल। तो फॉर्मेट एज अ टेबल में हम क्या करते हैं कि यहां पे सारी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, यानी सारे नंबर ऑफ जो चीजें हैं जिनको आप एज अ टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, सही है। यानी ये मेरा पूरा डेटा है, मैं जिसको एज अ टेबल बनाना चाहता हूं, तो सिलेक्ट करूंगा और यहां से आके क्या कर दूंगा, फॉर्मेट एज अ टेबल। तो आप पूरे नंबर ऑफ सेल्स को या रोज एंड कॉलम्स को कन्वर्ट कर देंगे किसी भी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। तो यहां से आके जो फॉर्मेट आपको टेबुलर का पसंद हो यहां से आके अप्लाई कर दो। और ये पूछेगा यही है? हाँ बोल रहे हैं यही है। अच्छा, माय टेबल हैज हेडर्स, हेडर होने चाहिए इसमें या नहीं होने चाहिए? तो मैं हेडर यानी आपके जो टॉप आपकी जो होती है ना हेडिंग्स, वो चाहते हैं? हम बोल रहे हैं यस वी वॉन्ट, तो ओके कर देंगे। तो ये इस तरह से आपको उस फॉर्मेट में टेबल बना के दे देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं और आपको जो है एक तीसरी चीज मिलती है, सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स के अंदर आप चाहें तो किसी भी सेल को एज अ फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ये वाला पूरा रो है, तो मैं यहां पे वन पे जाके क्लिक करूंगा, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहां पे आके इसको जो है फॉर्मेटिंग देता हूं। तो सिलेक्ट करेंगे सेल्स के ऊपर, ये बने हुए सेल के बैकग्राउंड कलर, सेल का टेक्स्ट है जो आपको पसंद हो यहां से आके आप दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं यहां से आके सिलेक्ट करता हूं, ये देखें अप्लाई हो चुकी हेडिंग्स। तो आपके उन सेल्स को ये क्या कर देगा, वो बैकग्राउंड कलर और सारी चीजें अप्लाई कर देगा। अब आप चाहते हैं थोड़ा सा ये टॉप में दिखें तो इस तरह से, सेंटर में देखें सेंटर में दिखेंगे, फिर आप उनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं यहां पर आके ऑल बॉर्डर कर देंगे इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कभी कभार आपको अगर कोई डेकोरेशन करनी है ना अपने एक्सेल की शीट्स की, तो आप सेल से सॉरी सेल्स इसके अंदर जाएंगे, कहां पे, सेल स्टाइल्स के अंदर, यहां से जो आपको चीज पसंद हो आप दे सकते हैं। जैसे वार्निंग टेक्स्ट था, या आपके पास इनपुट की कुछ चीजें हैं, या जिस तरह का आप जो है यहां पे सिनेरियो देना चाहते हैं, यू कैन प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, सही है। तो यहां से आके जो आपको पसंद हो यहां से कलर अप्लाई कर सकते हैं, सेट है? ये था। तो उसके बाद हम जो है सेल्स का ग्रुप पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट।